हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तभी आज मैं आपके पास आया हूँ। गाइस चलिए आज शुरू करते हैं एक दमदार वीडियो को। चलिए आज हम गए थे मनोहरपुर, अभी फिलहाल अभी तो रूम में है। तो आज दिन भर में क्या कुछ हुआ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि गाइस आज दिन भर में क्या हुआ। आज इतना मतलब कि क्या ही बोले। चलिए आप वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम इतना बकबक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज खुशहाली का दिन है और दुख वाला चेहरा कभी नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को, फटाफट देख लीजिए। आज है सरहुल और हम लोग का मनोहरपुर प्रखंड में सरहुल का रैली होने वाला है। पूरा मनोहरपुर में देखिएगा कैसा भीड़ होगा, उसको दिखाएंगे आपको, अभी देख लीजिएगा। तो ये मेरा दोस्त है और थोड़ा सा मिलिए इनसे भी, बताइए थोड़ा सा। हाँ, इनका यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक स्वागत है। चलिए इसका यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा, आगे कितना भीड़ होगा उसका सारी इस वीडियो में दिखा दिया जाएगा किस प्रकार से भीड़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बिरला से पैदल ही जा रहे हैं, अभी जाएंगे हम लोग सीधा उड़ाउड़ी। तो चलिए आगे आपको और दिखाएंगे हम लोग। हम लोग रेलवे फाटक क्रॉस कर रहे हैं और आगे पीछे बहुत ज्यादा भीड़ है और बहुत मजा ही आ रहा है। कैसा लग रहा है जी यहाँ पर आके? ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग तो हल्का हम लोग ड्रेस नहीं पहने, तो ऐसे लग रहा है कि हम आदिवासी नहीं है। लेकिन बहुत ही खुशी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं, चलिए आपको पीछे दिखाते हैं एक बार। Thank you.
निकल गए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ था, ढोल नगाड़ा बज रहा है, हम लोग का आवाज रिकॉर्डिंग नहीं हो गया था, इसीलिए हम लोग आगे निकल गए। और बहुत अच्छा लग रहा है, इतना ज्यादा भीड़ हम तो कभी देखे ही नहीं थे। अब जाके पता चला कि आदिवासियों भी कितना एकजुट है, एकता है। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिएगा और भी अच्छे अच्छे नज़ारे आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग चना और पानी दोनों सेवन कर लिए हैं, इससे थोड़ा दूर और जाना है, वहाँ पर अखड़ा है, नाश्ता किया अभी ठीक लग रहा है। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं और पीछे साइड देख सकते हैं, अभी इधर भीड़ जमा हो रहा है, तो चलिए यहाँ का दो राउंड दिखा देते हैं। और कुछ दूर में हम लोग अखाड़ा पहुंचने ही वाले हैं। ये वीडियो है अभी पेट्रोल पंप जो ब्लॉक के सामने है। तो चलिए यहाँ से हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं, अखाड़े की ओर चलते हैं और किस तरह से स्वागत किया जाता है उसे भी देखते हैं। यहाँ पर खाने पीने के लिए भी व्यवस्था किया गया है, देख सकते हैं इधर खाना पीना एकदम इंतजाम किया हुआ है। फाइनली हम लोग प्रोग्राम देखने के बाद वापस घर जा रहे हैं, शाम भी होने जा रहा है। वैसे तो खाना पीने का व्यवस्था किया गया है लेकिन इतना भीड़ की क्या बोलिए, इसीलिए हम लोग इसी ही रिटर्न जा रहे हैं। खाना पीना तो होता ही रहेगा लेकिन खाने पीने का तो बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ खा के अभी हम लोग जा रहे हैं। रास्ता में रसना पानी, नींबू पानी, चना, गुड़ सब मिल रहा था और यहाँ भी खाने का पूरा व्यवस्था है। व्यवस्था बहुत अच्छा किया गया था और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आगे भी प्रोग्राम होते रहना चाहिए, तब आदिवासी समाज बहुत ही कुछ कर सकता है। आदिवासी समाज मतलब आगे ऊपर चढ़ना चाहिए।